अभी दाना डाला है, उसके बावजूद जो है ना इनकी नीयत ही गंदी रहती है। इसके अलावा अभी तक जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है, जितना मैंने प्रैक्टिकल किया है, उसके मुताबिक मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि सिखाऊँ, ठीक है। लेकिन बार बार उसको नापने से, तोलने से बेहतर है कि जो हल मैंने किया उसी का कोई हल आप कर लें, ठीक है। उससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको बार बार तोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और आपकी जो है ना वो आपको आगे फीड बढ़ती भी जाएगी ना, तो आपको इतनी परेशानी नहीं होगी कि यार आपने हर दफ़ा नापना है इसको, हर दफ़ा इसका वजन करना है, कितने ग्राम जा रही है कि नहीं जा रही है। आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है और आपका ये सारा फीड का मसाला हो जाएगा। तो इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि जो मैंने किया हुआ, करीब कोई ना कोई किराने की दुकान भी होगी, घर में स्केल नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सबकी, उम्मीद करता हूँ सब खैरी से होंगे। मैं हूँ हमजा खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमसर फार्म। दोस्तों मैं इनको फीड डालने के लिए आया था। अच्छा, कुछ दोस्त जो है ना मेरे से सवाल करते हैं कि हम उसका फीड जो है उसकी मेजरमेंट कैसे करें, ठीक है, उसको कैसे नापें, कैसे उसको तोलें, पता चले कि जी हम इतनी फीड डाल रहे हैं। देखिए, अब हर किसी के घर में स्केल तो होता नहीं है, ठीक है। तो या तो इसका जो आसान हल है वो यही है कि आप छोटा सा एक डिजिटल स्केल ले आएँ, 10 kg वाला, मेरे ख्याल है सबसे छोटा 10 kg वाला होता है, इससे छोटा भी हो तो पता कोई नहीं। तो इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि जो मैंने किया हुआ, मेरे पास स्केल है, ठीक है, 10 kg वाला स्केल है, इसलिए मुझे परेशानी नहीं है। लेकिन बार बार उसको नापने से, तोलने से बेहतर है कि जो हल मैंने किया है उस तरीके का कोई हल आप कर लें, ठीक है। उससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको बार बार तोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और आपकी जो है ना वो आपको आगे फीड बढ़ती भी जाएगी ना, तो आपको इतनी परेशानी नहीं होगी कि यार आपने हर दफ़ा नापना है इसको, हर दफ़ा इसका वज़न करना है, कितने ग्राम जा रही है कि नहीं जा रही है। आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है और आपका ये सारा फीड का मसाला हो जाएगा। अब वो क्या तरीकाकार है वो आपको मैं बताता हूँ, लेकिन वीडियो पूरी देखने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। जो नए आने वाले लोग हैं वो सब सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और अच्छी लगे तो आगे शेयर भी लाजमी करें, ठीक है। और भी कुछ पूछना हो तो कमेंट्स करें, मेरा नंबर मौजूद है, नंबर पर कॉल कर लें, व्हाट्सएप कर दें। और इसके अलावा अभी तक जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है, जितना मैंने प्रैक्टिकल किया है, उसके मुताबिक मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि सिखाऊँ, ठीक है। और भी आगे जैसे जैसे मज़ीद मैं और भी जो है मेरी मालूमात में इजाफा होगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो लोग घर में काम करना चाहते हैं, ठीक है, जो कमर्शियल लेवल पे बड़ा काम करते हैं उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो छोटे हैं, जो बेचारे अब रख रहे हैं, जिन्होंने पहले थोड़े बहुत बर्ड रखे हुए हैं, ये मेरी जो वीडियोज़ है ना ये स्पेशली उन लोगों के लिए हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। चले जी, आपको मैं बताता हूँ कि एक तरीका कार क्या है। ये ना ये बर्तन है, ठीक है, ये एक मग है, पुराना मग पड़ा हुआ था घर में, ठीक है, वो मैंने इस काम के लिए लगा लिया। अब मैंने किया क्या जी, इस मग का पहले वज़न किया कि इसका वज़न कितना आ रहा है, ठीक है, स्केल के ऊपर वज़न कर लिया, ठीक है। वज़न करने के बाद इसको मैंने ना फिर इसके अंदर मैंने फीड डाली, ठीक है, इसको बिल्कुल फीड डाल के इसको एन किनारे तक मैंने भर लिया, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखें जी, ये इस तरीके से ना इसको पहले फुल भर के ना बाद में इसके ऊपर ऐसे हाथ मार दिया, ठीक है, मतलब ऐसे रखा इसको, ऐसे रखने के बाद ना इसके ऊपर ऐसे करके मैंने हाथ मारा, तो ये बिल्कुल लेवल में होगी। जो एक्स्ट्रा फीड जो इस किनारों से ऊपर निकली हुई थी वो झड़ गई, साफ़ हो गई, बाकी पूरा लेवल आ गया, ये बिल्कुल इसके किनारे के बराबर आ गई। अच्छा जी, अजान शुरू हो गई थी तो इसलिए फिर मैंने ना थोड़ा ब्रेक ली और अब ये दोबारा वीडियो शुरू करते हैं जी। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे इसकी फीड की, कि फीड की पैमाइश कैसे करनी है। ये आपको मैंने बर्तन दिखाया है, इस तरह का आप सब लोगों के घर में कोई ना कोई स्पेयर बर्तन पड़ा होगा, ठीक है, ये स्पेयर बर्तन था। इसको इसका मैंने वज़न किया, वज़न करने के बाद इसमें फीड डाली, फीड डालने के बाद इसका फिर मैंने वज़न किया। अब जी इसके अंदर जो फीड आई है वज़न के मुताबिक वो आई है 350 ग्राम, ठीक है, 350 ग्राम फीड आती है इसके अंदर इस किनारे के लेवल पे। अगर इसके ऊपर थोड़ी सी ढेरी बन जाए तो फिर फीड जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है 350 से, और अगर ज़्यादा नीचे चला जाएगा तो जो है ना वो ज़ाहिर सी बात है कि 350 से कम हो जाएगा। तो इसको बिल्कुल लेवल किया, लेवल करके जब इसका वज़न किया ना तो ये फीड बनी जी इसके अंदर 350 ग्राम, बर्तन का वज़न निकालने के बाद, ठीक है, बर्तन का वज़न डाल के तो ये फीड तकरीबन बन रही है कि 125 ग्राम,
ठीक है, अगर बर्तन का वज़न निकाल दिया तो इसके अंदर जो फीड है, सिर्फ फीड का वज़न 350 ग्राम आया, 350 ग्राम। ठीक है जी, अब मेरे लिए आसानी होगी बजाय इसके बार बार मैं वज़न करूं, ठीक है, फीड का किसी चीज़ में डालकर, ठीक है, उसके बाद इनको दूं, तो इस तरह टाइम काफ़ी ज़ाया होता है। तो इसका हल ये निकाला कि ये बर्तन लिया, बर्तन लेकर इसकी इसका वज़न किया, उसके बाद इसमें फीड डालकर टोटल वज़न करके बर्तन का वज़न माइनस कर दिया, तो इसमें फीड बच गई 350 ग्राम। ठीक है जी, अब ये मेरे जो टोटल चूज़े हैं ना, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, इन टोटल चूज़ों में ये देखें जी, इनको भूख अभी दाना डाला है, उसके बावजूद जो है ना इनकी नीयत ही गंदी रहती है। वो फिर अजान शुरू हो गई थी। अच्छा जी, अब ये यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है जी, अब इसके अंदर आती है 350 ग्राम फीड। अब मैं करता क्या हूँ, मेरे पास हैं टोटल 24 चूज़े, इस टाइम 44 ग्राम फीड चल रही है। ठीक है, ये तकरीबन 1 किलो से ऊपर बनती है। ठीक है, तो जितनी इनकी फीड बनती है ना, क्योंकि इतना मेरा अच्छा मैथ है नहीं है, तो लेकिन जितनी इनकी फीड बनती है ना, उस फीड के मुताबिक 1050 ग्राम या समथिंग इतनी फीड बनती है इनकी, ठीक है, रोज़ की, तो उसके मुताबिक ये 3 जो है ना वो डेली डलते हैं। ठीक है, डेढ़ सुबह डेढ़ शाम, ये 3 डब्बे जो है ना 350 ग्राम के, ये डेली इनको डालने होते हैं। 44 ग्राम फीड जो इस हफ्ते की फीड है ना, 8वें हफ्ते की, उसके मुताबिक ये 3 डब्बे डेली डाल रहे हैं। ठीक है, अब उन 3 डब्बों का क्या, 2 टाइम पे डिवाइड कर दिया, वो 2 टाइम पे डिवाइड किया, तो डेढ़ डब्बा सुबह हो गया, डेढ़ डब्बा शाम को हो गया। ठीक है जी, तो ये डेढ़ डब्बा जो सुबह डला और डेढ़ डब्बा शाम को डला, ठीक है, उससे ये हो गया फीड की इनकी क्वांटिटी भी पूरी हो गई, मुझे बार बार फीड की पैमाइश भी नहीं करनी पड़ी, ठीक है, उसका वज़न भी नहीं करना पड़ा, और आसानी के साथ 2 मिनट में ये डब्बा भरा, इसको लेवल किया, पता चल गया 350 ग्राम फीड इसके अंदर आ गई है, इसको उनको डाल दिया। ठीक है जी, टोटल दिन में अब करते क्या हैं हम, जैसे हफ्ता चेंज होता है डिवाइड कर लेते हैं जी, इतने ग्राम फीड एक चूज़े की बनती है, मेरे पास टोटल 24 चूज़े हैं, 24 चूज़ों को मल्टीप्लाई कर दिया, जितने किलो, जितने ग्राम या जितने किलो फीड आती है, ठीक है, उसको टोटल को डिवाइड कर दिया 350 से। ठीक हो गया जी, समझ आ रही होगी आप लोगों को कि उसको टोटल को डिवाइड कर दिया 350 से, 350 से डिवाइड किया तो पता चल गया ये 2 डब्बे डलेंगे, 3 डलेंगे, 4 डलेंगे, 5 डलेंगे, जितनी फीड है उसके हिसाब से। ठीक है जी, आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है, अगर आप लोगों को ये मेरा आइडिया अच्छा लगता है, अगर किसी को और किसी का आइडिया है माइंड में, हो सकता है मेरे से बेहतर हो, तो वो उस हिसाब से कर ले। ठीक है, मैंने तो वो बताया जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे लिए आसानी है, बाकी किसी के लिए क्या आसानी है वो बेहतर जानता है। ठीक है, मेरा सिर्फ बताने का मकसद ये है कि मैं इस तरीके से अब टाइम भी बचाता हूँ अपना, ठीक है, और मेजरमेंट भी एक ही दफ़ा किया, उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ये किस्म की लाइफ टाइम की मेजरमेंट है मेरी, ठीक है, इसमें 350 ग्राम फीड ही आनी है, इससे ना कम आनी है ना ज़्यादा आनी है डब्बे में, ज़्यादा तो नहीं आ सकती, कम अगर कर देंगे तो कम आ जाएगी, लेकिन इसके अंदर जो मतलब पूरे डब्बे के अंदर ना 350 ग्राम फीड आती है। तो अब ये लाइफ टाइम चलना है, ये बड़े भी हो जाएंगे ना, तो इसको डिवाइड करते जाना है, ठीक है, जितनी इसकी क्वांटिटी बनती जाएगी उतने डब्बे डालते जाना है इनको। ठीक है, जो टोटल डब्बे बना करेंगे उसको 2 पे डिवाइड कर लिया करना है। ठीक है, ये टोटल 3 डब्बे बनते हैं, मैंने 2 पे डिवाइड किया, तो डेढ़ डब्बा सुबह का हो गया, डेढ़ शाम का हो गया। अब डेढ़ सुबह 8 बजे डाल देते हैं, डेढ़ शाम को 3:30-4 बजे डाल देते हैं। ठीक है जी, अब इनकी क्वांटिटी है, आगे मज़ीद इनकी फीड बढ़ेगी, ठीक है, फिर उसको टोटल करेंगे, जितनी फीड बनेगी टोटल करके 24 चूज़ों की कितनी फीड डेली की बनेगी, उसके हिसाब से फिर इस पर 350 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, वो पता चल जाएगा कि 3.5 डब्बे आने हैं, 4 डब्बे लगने हैं, कितने लगने हैं, वो जितने लगेंगे उसको फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, मतलब सुबह की और शाम की, ठीक है, उसके 2 हिस्से कर लेंगे, तो उसमें ये है कि फिर आसानी हो जाएगी, फिर उतने ही डब्बे इसके डलते जाएंगे। मैं शुरू से यही काम कर रहा हूँ, ठीक है, अगर किसी को मेरा ये आइडिया अच्छा लगा तो वो लाजमी कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है, वो भी ये काम कर सकता है, घर में स्पेयर बर्तन कोई ना कोई पड़ा ही होता है, कोई कप होता है चाय वाला, या कोई कोई प्याली वगैरह होती है ये सालन वाली, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी स्पेयर पड़ी हो, करीब कोई ना कोई किराने की दुकान भी होगी, घर में स्केल नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, किराने की दुकान भी आप लोगों की होती है, हर किसी के घर के पास होती है, तो ऐसा करें कि जाएँ वो बर्तन ले कर जाएँ, साथ थोड़ी सी फीड ले जाएँ जो उस बर्तन में पूरी आती हो। ठीक है, पहले
फीड उस बर्तन में डाल के ले जाएं, ठीक है, उसकी मेजरमेंट कर लें वहाँ पे स्केल जो किराने स्टोर पे जो वो होगा ना तराजू होगा स्केल होगा उस पे उसका वज़न कर लें। वज़न करने के बाद उसी से शापर पकड़ें, ठीक है, उसमें से फीड सारी निकाल लें खाली करें, फिर उसका वज़न कर लें बर्तन का। जो वज़न बर्तन का आएगा वो टोटल वज़न से आपने माइनस करना है, आपको पता चल जाएगा कि आपके बर्तन में कितनी फीड आती है, ठीक है जी। तो आपको पता चल जाएगा, फिर आपको समझ आ जाएगी कि इस बर्तन में इतनी फीड आती है और मेरी डेली की इतनी फीड लगा करेगी, ठीक है। ग्राम कितने लगेंगे वो आपको मैं अब हर हफ्ते बता दिया करूँगा, ठीक है। तो जितने ग्राम लगें उसको फिर चूज़े पे, जितने आपके पास चूज़े होंगे उस पर डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद सॉरी मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो टोटल आएगा आंसर आपके पास उसको आपने उस बर्तन में जितनी फीड आती है उसे आपने डिवाइड कर लेना, आपको पता चल जाएगा। वो दो बर्तन डालेंगे दिन में, तीन डालेंगे, चार डालेंगे, जितने डालेंगे उसको दो टाइम पे डिवाइड कर लो, आधा सुबह डाल लिया करना आधा शाम को, ठीक है। ये सबसे आसान हल मुझे जो लगा उसका ये फ़ायदा हुआ कि टाइम की बचत, ठीक है, और बार बार दिमाग कपाई की बचत, और ये है कि फटाफट काम भी हो जाता है, कोई परेशानी नहीं होती। ये मैं फीड डालने के लिए आया था शाम के इनको चूज़ों को और मुर्गियों को, तो मैंने सोचा मेरे जहन में आया कि यार मैं आप लोगों से डिस्कस करूं, क्योंकि अक्सर मेरे से पूछते हैं भाई कि यार हम पैमाइश कैसे करें। तो फिर उसका जो है ना ये मैंने हल निकाला है कि मैं सोचा कि मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है, आप लोग जो है ना वो इस पे अमल करें तो शायद आप लोगों के लिए भी फ़ायदा हो जाए। लें जी, आज की ये वीडियो थी, और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना है, ठीक है। और अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है, और मेरे चैनल को लाजमी लाजमी सब्सक्राइब कर दें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इस तरीके से आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश मैं करता रहूँगा। और मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।